So finally अपनी चाय आ चुकी है। नाउ अभी अपन आ चुके हैं पंगोट की तरफ। पीछे दो रास्ते जाते हैं, एक काला डूंगी की तरफ और दूसरा आता है पंगोट की तरफ। तो हम पंगोट वाले रास्ते में पड़ चुके हैं। यहाँ से विदिन 10 या 12 किलोमीटर पे पंगोट आ जाता है। एंड रोड और टू मच रास्ता होगा, इससे शॉर्टकट होगा। बट लुक एट दिस मैन, लुक एट दिस। वो है अपना नैनीताल। So finally good morning everyone. Right now is 9:30 I think so। 10 बज चुका है पूरा का पूरा। और अभी जाके उठा हूँ मैं, बहुत तगड़े वाली नींद आई है। कल रात को क्या बताऊँ मैं, रात को 9 बजे दवाई खा के सोया। उसके बाद पूरा का पूरा अपना गेम ओवर वाली फीलिंग आई। उसके बाद मतलब समझ नहीं आया कि क्या हुआ था मेरे साथ कल रात का। सवेरे 5 बजे उठा, उसके बाद फिर एक बार और सोया और अब जाके 9:30 बजे मैं उठा हूँ। तो आज का सिंपल सा प्लान है जो हम कल फॉलो कर रहे थे, यानी कि भीमताल, नैना देवी पीक, नैना देवी मंदिर एंड दैट्स इट फॉर टुडे। यही करेंगे आज हम, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं घूमेंगे क्योंकि आज बॉडी को रेस्ट चाहिए। अभी तो पैरों में अभी तक दर्द हो रही है। और सो लेट्स सी, पहले होते हैं फटाफट से फ्रेश और उसके बाद अपनी फेमस चाय, उसके बाद बाकी है। वेलकम बैक टू माई चैनल, होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। तो चलो फटाफट से होते हैं रेडी। सो दिस इज़ डे 2 और अभी तक हम होटल से निकले नहीं हैं और टाइम हो रहा है अपना 10:31। तो थोड़ी देर में निकलते हैं यहाँ से 11 साढ़े 11 बजे के तकरीबन। ठंड थोड़ी सी कम हो चुकी है एंड धूप भी आ चुकी है जैसा कि आप देख सकते हो। तो दिस इज़ व्यू फ्रॉम द होटल एंड नॉट सो लग्जरी बट इट्स अ टोटली बजट रूम। 800 रुपीज़ फॉर 1 डे। होटल का नाम है होटल करमाचल। एंड अभी चलते हैं, देखते हैं कहाँ घूमना है, कहाँ करना है। तो यहाँ से आपको लेक दिख जाती है बट प्रॉपर नहीं। तो लेट्स सी, अभी एक काम करता हूँ मैं, फटाफट से नहा धोता हूँ और फिर निकलते हैं अपना ट्रिप के लिए 2nd डे के। तो चीयर्स फॉर दैट चाय। एंड ये चाय पीने के बाद अपन नहाने जाएंगे और उसके बाद अपन निकल जाएंगे यहाँ से अपना। पहले मैंने सोचा नैना पीक चलते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। फिर उसके बाद भीमताल जाएंगे। जो चीज़ें गर्मी में कर लेते हैं, शाम को 5-6 बजे एग्जैक्ट आके यहाँ पे वीडियो एडिट करेंगे और शाम को नीचे जाएंगे खाना खाने के लिए। सेम एज रूटीन फॉलो करेंगे। चीयर्स फॉर दैट। फिर पीते जाए एंड फिर निकलते हैं आगे की ओर। तो फाइनली स्टार्टेड विद द डे 2। तो अभी अपना एक्टिव लेकर निकलते हैं नैनी पीक एंड होटल का एंगल यहाँ से आता है। थोड़ा ऊपर चल के जाना पड़ेगा अभी हमें। सो फाइनली ये है अपनी राइड जिसका हमने दिया है 700 रुपया कल शाम से आज तक का। तो अभी निकलते हैं। वैसे 6 बजे तक सबमिट करानी होती है। 6 बजे तक सबमिट करा देंगे तो कम पैसे लगेंगे बट मैंने 24 घंटे के लिए रखी तो ज़्यादा पैसे लगे थोड़े। बट वी आर रेडी राइट नाउ। तभी निकलते हैं यहाँ से। नीचे ढलान है तो यहाँ पे तो संभल के चलानी पड़ेगी थोड़ी। सो लेट्स गो। सो फार सो गुड। तो पहला हमने ब्रेक लिया है ये मे फ्रेंड रेस्टोरेंट में आलू का पराठा खाने के लिए। सवेरे सवेरे आलू का पराठा खाने का बड़ा मन था, वो भी तवे वाला, क्योंकि पिछली बार जब खाया था कल रात को तो उसमें मज़ा नहीं आया। तभी खाएंगे आलू का पराठा। और ये पीछे मेरे ख्याल से स्कूल है। तो इसके बाद चलेंगे यहाँ से पंगोट। पंगोट में है माउंटेन पीक, जहाँ से आपको पूरी वैली दिखती है। तो ये अपना आलू का पराठा और ये अचार और ये आलू की सब्ज़ी। तो एक काम करते हैं, इसको फटाफट से फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं आपको। नाउ अभी अपन आ चुके हैं पंगोट की तरफ। पीछे दो रास्ते जाते हैं, एक काला डूंगी की तरफ और दूसरा आता है पंगोट की तरफ। तो हम पंगोट वाले रास्ते में पड़ चुके हैं। यहाँ से विदिन 10 या 12 किलोमीटर पे पंगोट आ जाता है एंड रोड आर टू मच छोटी। तो थोड़ा देख के चलाना पड़ेगा यहाँ पे। और उसके अलावा पंगोट से दिखता है आपको हिमालयन रेंज का व्यू और उससे नीचे नैनी पीक से भी आपको व्यू दिखाई देता है। सो That's a simple roads and this is our Activa. तो व्यू यहाँ से दिखता जो है मेन वो दिखता है नैनीताल की. तो फाइनली रीच नाने पीक. यहाँ से अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी और ट्रैकिंग है आई थिंक सो 3 किलोमीटर की. तो ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट. इससे आगे ऊपर जो है ये हिमालयन रेंज है. तो लास्ट को पहले जाते हैं नानी पीक, उसके बाद जाएंगे अपना ऊपर. सो नानी पीक है यहाँ से 3 किलोमीटर दूर. मतलब अभी 1 किलोमीटर ऑलमोस्ट हम चल चुके हैं एंड 2 किलोमीटर और रह गया होगा. लुक एट दिस नेचर फॉरेस्ट ट्रेल, इट्स अमेजिंग. यहाँ से एक और रास्ता जाता है बंसारी को, वो है 9 किलोमीटर, बट वहाँ भी हम नहीं जाएंगे क्योंकि 9 किलोमीटर का ट्रैक इट्स लाइक फकिंग. तो 3 किलोमीटर काफ़ी है एंड क्या ही बताएं. द नेचर फॉरेस्ट ट्रेल इट्स अमेजिंग, यही कहना है बस. लगा कि शायद आगे रास्ता होगा, इससे शॉर्टकट होगा, बट लुक एट दिस मैन, लुक एट दिस. वो है अपना नैनीताल और ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है एंड दैट्स व्हाई हम वापस नीचे जाना बड़ा मुश्किल काम है यहाँ से. बट कुछ तो करना पड़ेगा, देखते हैं. चलो वापस ही नीचे की ओर जाते हैं. रिच ये है नाना देवी हिमालयन पक्षी संरक्षण आरक्षित क्षेत्र और वो है जीना बाबा मंदिर. तो फाइनली रीच नैनी पीक और वो दिख रहा है आपको यहाँ से नैनीताल का व्यू. तो अभी नीचे जाएंगे, वहाँ पे करेंगे एक अच्छा सा शूट ज़बरदस्त वाला. बट लुक एट दिस ब्यूटी मैन, दिस इज़ अ हिमालयन रेंज, ये सामने जो दिख रही है, एंड दिस इज़ नैनीताल व्यू एंड लुक एट दिस अमेजिंग व्यू. यहाँ से आपको क्लियर दिखेगा बट वी विल शूट विद आवर आईफोन एंड give you more beautiful view from this Naina Peak. This is called Naina Peak. क्यों कहा जाता है इसे Naina Peak? क्योंकि यहाँ से नैनीताल का पूरा व्यू दिखाई देता है, इसलिए इसे Naina Peak कहा जाता है. एंड अभी हम दिखाते हैं आपको व्यू और तब तक आप लीजिए इस खूबसूरत शॉट के नज़ारे. फाइनली डन विद द नाना पीक एंड नाउ अभी वापस जा रहे हैं नीचे. फुल टू मज़ा आ गया, बिंदास. बहुत अच्छे अच्छे शॉट लिए और बहुत अच्छा अच्छा इन्जॉय किया. नाउ बैक टू नीचे जहाँ पर अपनी एक्टिवा खड़ी है, वहाँ से सीधा एक्टिवा पकड़ के जाएंगे हिमालयन रेंज अगर टाइम बचा तो. अभी बज रहा है 3:53. अगर 4:30 तक पहुँच गए तो वेल एंड गुड है. वहाँ से फिर चल जाएंगे सीधा हिमालयन रेंज और नहीं पहुंच पाए तो वापस चल जाएंगे होटल रूम. इतने वेले तो हैं हम. सो फार सो गुड. चलो नीचे चलते हैं, अब सीधा जाके मिलेंगे आपको नीचे. बाय बाय. सो फाइनली अपनी मैगी आ गई यहाँ पर, अभी खाएंगे मैगी एंड जाएंगे नीचे. ये है नैना पीक, वो लिखा हुआ और चीना पीक भी कहते हैं इसे. 2611 मीटर. आप जाएंगे नीचे मैगी खा के. सो फाइनली डन विद दिस हिमालय दर्शन. तो भाई अपन को मिले थे पीछे से, तो अभी तक हमारे साथ है. तो हिमालयन दर्शन अपना कंप्लीट हुआ, जो अपना कहते हैं नाना पीक जहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से अपना आधा किलोमीटर दूर है. नो अब चलते हैं अपन नीचे वापसी की ओर. बिल्कुल चलनी चाहिए भैया ये यूट्यूब पे. अब सो फाइनली वापस रूम की तरफ आ गए हैं. अभी जाते हैं पहले रूम में एंड उसके बाद मतलब खाना खाने के लिए जाएंगे. ओहो तो रूम का रास्ता भी कोई डेंजरस ही है पूरा का पूरा मेरा रूम का रास्ता. बट अभी अपना काम जो है वो है अब ना अंदर जाके थोड़ा रेस्ट वेस्ट करेंगे एंड देन आफ्टर डिनर के लिए निकलेंगे। सो ये दिस इज़ अ प्लान राइट नाउ। तो चलो इस प्लान को फाइनल रूप देते हैं। सो फाइनली इन द रूम। तो अपना मतलब अभी बज रहे हैं 7 और अभी अपन जाएंगे बाहर खाना खाने के लिए। बट अमेजिंग रात का, और मुझे नैना पीक इतना ज़्यादा ज़बरदस्त लगा ना क्या मैं बताऊं। बट आज एक ही जगह कवर कराया था और दूसरा हिमालय दर्शन कवर किया, उसके अलावा कुछ नहीं कवर किया। सो व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट टुमारो कि कल हम जाएंगे भीमताल और नैना देवी मंदिर, यही नीचे ही है, और कल बोट राइड जरूर करेंगे। सो लेट्स, कल का प्लान की इटनरी बन चुकी है। कल यहाँ नैनीताल रुक के फिर अपन चल पड़ेंगे अपना ये अपना अल्मोड़ा। तो अल्मोड़ा का एक दिन का प्लान है। तो मतलब वीरवार को हम अल्मोड़ा रुकेंगे और शुक्रवार को देखता हूँ मैं हरिद्वार ऋषिकेश, या फिर शुक्रवार को कहीं और चलते हैं। तो लेट्स सी, अभी थोड़ी देर में खाना खाने के लिए चलते हैं, तब तक मैं थोड़ा कर लेता हूँ रेस्ट। So here is the day 2 close। So अपना आज का ट्रिप तो रहा धमाकेदार और धांसू। तो अब डिनर कर लिया, अब सोने का टाइम हो चुका है। तो देखता हूँ अभी थोड़ा नेटफ्लिक्स वगैरह चिल वगैरह करेंगे और उसके बाद सो जाएंगे 10-11 बजे तक। सो इफ़ यू एंजॉय दिस व्लॉग देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब टू, एंड यू ऑलवेज नो शुक्रान अलविदा मास्लामा, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू माय लवली फ्रेंड। मिलते हैं कल डे 3 एक और खतरनाक से ब्लॉग पे।